हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, हम रेजोनेंस में नया टॉपिक पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है बच्चों। किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के टोटल नंबर हम कैलकुलेट करेंगे वो तरीका देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज, ठीक है बच्चों। तो इसे देखते हैं, तरीके का कंपाउंड है कोई, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिया हमने बच्चों, इसी में एनायन बना लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हम इन एग्जांपल्स में कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या तरीका होगा इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखते हैं बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल में तो आपको पता है कि जैसे हम अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव चार्ज हो, वो हर अल्टरनेट कार्बन पर जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इस प्लस चार्ज की तरफ होगा, क्योंकि प्लस चार्ज बच्चों का इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट माना जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको बनाया तो आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड तो यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर एरो का जो टेल है, जो पूंछ है, वहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ का चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड हमने क्या है, कंप्लीट कर लिया है बच्चों, ठीक है। अब आप देखिए, तो एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, तो हमें काउंट करना है इंक्लूडिंग गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो स्ट्रक्चर दिया है ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसको मिलाकर के काउंट करते हैं, तो टोटल यहाँ पर देखिए बच्चों, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना लिए। यही कंडीशन यहाँ पर है जब नेगेटिव चार्ज होगा, तो बच्चों जब नेगेटिव चार्ज है तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। यहाँ पर अगर हम डायरेक्शंस बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर बच्चों आ जाएगा। अब ये टेल इस तरफ है, तो यहाँ तो चार्ज बच्चों न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि माइनस था, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है तो चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये इसका हेड यहाँ पर है, तो जहां पर हेड होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ओवरऑल क्या है बच्चों, अगर स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ही दिखेगा,
ठीक है, प्लस वन यूनिट का चार्ज है तो प्लस वन यूनिट का चार्ज दिखेगा, माइनस वन यूनिट का चार्ज है तो माइनस वन यूनिट का चार्ज दिखेगा। लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, वो चेंज नहीं होते। जैसे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमने बना लिए टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, टू आर एस तैयार हो गए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में तो हम बच्चों अब डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे देखें कि आपको पता है कि एक बार ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अभी मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, ये आ गया। तो पाई बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये जो पहले से प्रेजेंट था। अब देखिए हम इस पाई बॉन्ड को भी आगे मूव करा सकते हैं, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जहां तक कंजुगेशन होगा वहां तक हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो कितने हो गए बच्चों, यहां पर थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अगर आप डायरेक्ट देखने की कोशिश करें, हम क्या कर रहे हैं कि जो चार्ज है, चार्ज अल्टरनेट कार्बन पर मूव करता है। अभी बच्चों ये चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, फिर इसको छोड़ करके ये बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको छोड़ करके ये यहाँ पर आ जाएगा। तो थ्री जगह पर, तीन जगह पर ये चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। तो कितने आरएस हम बना सकते हैं, थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हैं। तो जहां जहां चार्ज मूव करेगा वो हर बार एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के जाएगा, ठीक है। तो हम उसको टोटल यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। ये चार्ज तीन जगह मूव करेगा, तो तीन जगह मूव करने का मतलब डीलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से इसके टोटल थ्री आरएस तैयार हो जाएंगे। एक तो दिया हुआ है, बाकी दो हमने यहाँ पर बना लिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर कोशिश करें कि यहाँ पर भी ये सेम पैटर्न है, हम यहाँ पर भी थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे बच्चों, क्योंकि तो एक बार ये चार्ज यहाँ पर है नेगेटिव, फिर ये बच्चों मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये मूव करके बच्चों ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों हम इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, थ्री स्ट्रक्चर्स यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए सेम चीज है, आप देखिए ये चार्ज अभी यहाँ पर है और रेजोनेंस सिर्फ यहीं तक हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंस आगे तो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, तो आगे तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा वहां तो चार्ज जाने की कोई संभावना नहीं है। तो अल्टरनेट कार्बन पर चार्ज बच्चों ये कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके हम कितने आर एस बना सकते हैं बच्चों, टू आर एस। अब ये सिस्टम और ये जो फर्स्ट वाला केस है बिल्कुल सेम ही है। फर्स्ट वाला इसे ओपन चेन में दिया हुआ है और ये क्या है बच्चों, ये साइक्लिक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका एक आरएस अगर लिखना चाहें कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा क्या होगा, तो ठीक है बच्चों, प्लस चार्ज की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा दीजिए और ये इस तरीके से ये बन जाएगा। तो एक ये है और एक ये है, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो पेपर में आता है तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारा टाइम क्या है बच्चों बचेगा। सिमिलर तरीका यहाँ पर है, ये नेगेटिव चार्ज अभी यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, जहां पर रेजोनेंस हो रहा है ना, सिग्मा और ये पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, उसी तरह हम चार्ज को लिखेंगे। हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, ठीक है बच्चों। तो जिस डायरेक्शन में रेजोनेंस नहीं है वहां पर चार्ज को मूव नहीं कराना है। तो यहाँ पर ही बच्चों को क्या बन जाएगा, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ ट्राई करें बच्चों, तो अभी तो एक तो चार्ज ही यहाँ पर प्रेजेंट है पहले से ही, फिर अल्टरनेट कार्बन पर ये यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा, फिर ये नेक्स्ट अल्टरनेट कार्बन पर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ये क्या है, रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा बच्चों वन टू और थ्री, ये दे देगा थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप चेक करें ये कितने स्ट्रक्चर तैयार करेगा, बिल्कुल ये नेगेटिव चार्ज है अभी यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तक ये रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पर ये बच्चों कितने आ जाएंगे, थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब आप देखिए यहाँ पर ये कितना बनाएगा, ठीक है ये पॉजिटिव चार्ज, फिर ये देखिए रेजोनेंस कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे ये वाला जो पार्ट है ये रेजोनेंस का पार्ट है। तो जो रेजोनेंस का पार्ट है बच्चों चार्ज वही मूव करेगा, हर अल्टरनेट कार्बन पर चार्ज आता है तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा इसको छोड़ करके, फिर इसको छोड़ करके ये बच्चों चार्ज यहाँ पर बनेगा, फिर इसको छोड़ करके ये चार्ज बच्चों यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से देख लीजिए चार्ज जहाँ जहाँ जाएगा वन टू थ्री और फोर, तो ये बच्चों बना देगा फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बच्चों तैयार हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है।
बच्चों इस एग्जाम्पल में देखिए, इस टेंथ वाले एग्जाम्पल में हम अगर आपसे पूछें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो बच्चों आप बता सकते हो बिल्कुल। देखिए ये चार्ज हर अल्टरनेट एटम पर जाएगा, तो ये यहाँ से हटकर यहाँ पर आएगा, तो एक बार ये चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ नहीं जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये सिग्मा सिग्मा तो डायरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर मूव नहीं करेगा। तो ये रेजोनेंस क्या है, ये पाई जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ से हट करके यहाँ पर आएगा। सिमिलर सिचुएशन ये है कि ये इस साइड भी जा सकता है ऐसे, तो यहाँ भी एक आरएस तैयार हो सकता है। तो ये बच्चों जो चार्ज है वो अब इस ऑक्सीजन पर भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल चार्ज की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, और यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ तो प्रेजेंट है ही। ये दे देगा बच्चों कितना, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके 3 स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करें आपको समझने के लिए, मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक बार बना O माइनस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ही तैयार हो गया। आप अगर दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं तो उसको भी बना सकते हैं हम, अगर हम चार्ज को इस तरफ मूव करवा दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, अब ये चार्ज अगर यहाँ जाता है तो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पर भी बन सकता है, O माइनस इस तरीके से, ठीक है। तो ये 1, 2 और ये 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों। जो चीज़ ये लिखा हुआ है वही चीज़ ये है, सेम है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें तो ये चार्ज यहाँ पर आ सकता है, ये चार्ज यहाँ पर आ सकता है, और यहाँ तो प्रेजेंट ही है, तो इसके बन जाएंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। ये सेम पैटर्न है टेंथ वाला, वैसे ही इलेवंथ है, बस यहाँ पर क्या एक रिंग बना दिया है। बाकी आप पैटर्न देखिए, इसको अगर हम इससे छिपा लेते इस तरीके से, तो आपको बिल्कुल ये टेंथ वाला सामने नजर आता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर कोशिश करें इस ट्वेल्थ वाले में आरएस बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखिए अब रेजोनेंस मिल रहा है आपको पाई सिग्मा के साथ नेगेटिव चार्ज, तो रेजोनेंस ये ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पर ही है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इसका जो आर एस हम बनाने की कोशिश करेंगे वो ऐसे बन जाएगा, आर और ओ माइनस और डबल वन ऑक्सीजन, ठीक है। इसके दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि ये चार्ज यहाँ से जाकर के ये इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा जो कि मिला है यहाँ पर। बच्चों कितने मिल रहे हैं, 2 आर एस, ठीक है। तो तरीका आप बच्चों समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों इन एग्जांपल्स में भी हम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसमें कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, चार्ज नहीं दिया है, फिर भी देखिए सोर्स ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर है, यहाँ पर ये लोन पेयर से स्टार्ट करेगा, नाइट्रोजन है। अगर लोन पेयर नहीं लिखा है तो आप बच्चों लिख लीजिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर होता है, तो पेपर में ये लोन पेयर दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। नाइट्रोजन के पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास भी क्या है बच्चों, लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जैसे चार्ज वाले केस में बना रहे थे नेगेटिव चार्ज वाले में, उसी तरीके से लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर को भी हम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मानते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सेम तरीका है, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे, कैलकुलेशन आता है पेपर में कि कितने बनते हैं, बनाना हम थोड़ा पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम लोन पेयर की बात करें
तो ये जब इधर ऐसे मूव करेगा तो आगे वाला जो पाई बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं, एक स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ आपको, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको, ये NH2, अब चूंकि ये लोन पेयर इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जब लोन पेयर बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि लोन पेयर का क्या मतलब है बच्चों, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है। एक बॉन्ड आपने बनाया हुआ है, पहले सिग्मा है, सिग्मा के बाद बना हुआ बॉन्ड हमेशा क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड होता है, जो कि बना लिया। अब आप देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर गया है तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं जिस एटम पर पॉइंट कर रहे हैं उस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर चूंकि पहले कोई चार्ज नहीं था, अब चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये न्यूट्रल था, अब यहाँ पर एक चार्ज बन जाएगा, टेल पर पॉजिटिव चार्ज और जो हेड होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज। हमने जिसको टच नहीं किया वो वाला बॉन्ड, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। अब अगर अगला स्ट्रक्चर अगर हम बनाने की कोशिश करें यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहां मिलेगा NH2+ डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चों, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है तो अभी यहाँ पर है, अगली बार ये मूव करके ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, और फिर ये मूव करके ये जो चार्ज बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो ये चार्ज कहाँ कहाँ हो सकता है देख रहे हैं। एक तो चार्ज यहाँ पर तो क्रिएट हो ही चुका है, यहाँ से सोर्स से स्टार्ट होगा, फिर हर अल्टरनेट जो एटम्स है वहां पर जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से मिला, तो 1, 2, 3 जगह पर है ये, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बच्चों में मिलेंगे। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कितने RS होंगे, तो देखो बच्चों स्टार्ट यहाँ से होगा, फिर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो इस अल्टरनेट कार्बन पर आएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा। बच्चों ये कितनी पोजिशंस पर प्रेजेंट है, 3 पोजिशंस पर प्रेजेंट है, तो हम इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अगर वही यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करें, ये चार्ज यहां से स्टार्ट होगा, यहां से मूव करना स्टार्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर अल्टरनेट पर ये यहां पर आएगा, फिर ये यहां पर आएगा और फिर ये यहां पर आएगा, तो खत्म यहां पर हो जाएगा। ये 1, 2, 3, 4 पोजीशंस पर है, तो हम इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बच्चों बना सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों इन एग्जांपल्स में भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस केस में देखिए, अगर हमें इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हो, तब ये केस पहले वाले केसेस से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके पहले वाले केसेस में जो साइक्लिक वाले हमने एग्जांपल लिए थे वहां पर कंप्लीट रेजोनेंस हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, पूरा रेजोनेंस है, पूरा ही मोलिक्यूल में कॉन्जुगेशन दिख रहा है, क्योंकि सिग्मा पाई सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज, सेम सिचुएशन यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई और सिग्मा और पाई के साथ, ये सिग्मा और उसके से जुड़ा हुआ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बच्चों अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर, लोन पेयर सिग्मा पाई और सिग्मा, तो यहाँ पर भी बच्चों क्या है, कंप्लीट रेजोनेंस है। तो इस तरीके से अगर कंप्लीट रेजोनेंस है यहाँ पर, या इस केस में, या इस केस में यहाँ पर जो चार्ज होगा वो हर एटम पर आएगा, इसी तरीके से ये जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हर जगह जाएंगे, ठीक है।
तो यहां देखिए एक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, ठीक है। तो आप देखिए ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। जैसे हमने इसको यहां पर ऐसे मूव किया तो ये चार्ज शिफ्ट कर जाएगा। अल्टरनेट की बात करें तो अब ये दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो आपको चार्ज ये कुछ ऐसे दिखेगा और ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट किया है हमने यहां पर, तो ये कुछ ऐसे आ गया, चार्ज यहां पर दिखेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड अगर हम राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं तो ये बॉन्ड लेफ्ट साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड इस तरीके से जाएगा तो यहां पर, और ये चार्ज मुकर जाएगा यहां पर। तो क्या है, जब कंप्लीट रेजोनेंस है यहां पर और जो चार्ज है वो रिंग का पार्ट है, तो चार्ज क्या है बच्चों, हर जगह प्रेजेंट होगा। तो यहां पर देख रहे हैं ये वन है, ये टू है और ये थ्री है, ठीक है। ये चार्ज वन अल्टरनेट की अगर हम बात करें तो टू पर नहीं होगा तो थ्री पर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर इधर से अल्टरनेट की बात करें तो वन पर है तो थ्री पर नहीं होगा तो टू पर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, चार्ज हर अल्टरनेट एटम पर जाता है तो वन टू और थ्री। अगर ये वन पर प्रेजेंट है तो ये बच्चों आगे जा करके ये वन टू थ्री तो थ्री पर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार्ज क्या है बच्चों, मूव करता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें मिले थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस केस में जब कंप्लीट रेजोनेंस है और सोर्स ऑफ रेजोनेंस इज पार्ट ऑफ रिंग, ठीक है, हम यहां पर कह रहे हैं सोर्स ऑफ, इफ सोर्स ऑफ रेजोनेंस इज पार्ट ऑफ रिंग देन टोटल RS इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कॉर्नर्स के नंबर के बराबर होंगे। तो यहां देख रहे हैं कितने कॉर्नर्स है, वन टू थ्री, थ्री कॉर्नर्स है तो थ्री RS बन जाएंगे। इस तरीके से यहां पर देखिए, अब यहां देखिए यहां भी वही सिचुएशन है, वन टू थ्री फोर फाइव कॉर्नर्स है तो ये फाइव RS बना लेगा, ठीक है। तो यहां देखिए इसमें बच्चों कितने सेवन कॉर्नर्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन RS बना देगा, ठीक है। अब यहां सोर्स देखिए, तो ये भी रिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे केस में अब ये आगे शिफ्ट करेगा तो यहां भी फाइव कॉर्नर्स है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये बच्चों क्या है, फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देगा। इसी तरीके से यहां भी देखो सेम है, इसमें भी बन जाएंगे बच्चों फाइव RS। इस तरीके से ये भी इसी का पार्ट है। अगर हम ऐसे लिखते यहां पर बच्चों टोटल सेवन कॉर्नर्स है, ये बन जाएगा सेवन RS। तो यहां पर हम बच्चों इसके फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ऑक्सीजन, अब बच्चों ये लोन पेयर यहां पर मूव करता है तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर मूव करेगा कुछ ऐसे, ये आ गया यहां पर चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये अब ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर बच्चों बनेगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। फिर देखिए जैसे ये मूव करेगा ये यहां पर कुछ इस तरीके से अगला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं यहां पर बॉन्ड बनेगा पॉजिटिव चार्ज तो पहले से प्रेजेंट है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, फिर इस तरीके से आ जाएगा। फिर देखिए तब तक बनाना है जब तक आपको स्ट्रक्चर रिपीट ना होने लगे, तब तक हम बनाते रहेंगे इस तरीके से। ये और ये चार्ज यहां पर शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड है यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, अगला स्ट्रक्चर बना सकते हैं फिर से कुछ ऐसे, ठीक है। और ये वाला यहां पर शिफ्ट कर जाएगा तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हम उस चीज को देख रहे हैं, ये बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर, ये देखिए पहला वाला आ गया तो ये रिपीट कर गया, जो रिपीट कर गया उसको काउंट नहीं करना है। अब देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहां पर देख रहे हैं कि फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहां पर तैयार कर लिए। तो चार्ज देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये चार्ज हर जगह प्रेजेंट है, यहां पर भी है, हर कॉर्नर पर चार्ज है
ऑक्सीजन से स्टार्ट किया है तो उसने लोन पे डोनेट किया है तो पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ये प्लस और ये माइनस मिलकर के बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये बॉन्ड है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये यहाँ पर है, तो अगर आपने इसको प्लस और माइनस को मिला करके एक बॉन्ड बना दिया तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन चार बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है, ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है। इस तरीके से ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ पर ये चीज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट केस देखते हैं कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। जैसे हमने लिखा है बेंजीन है, ठीक है, दूसरा है क्या बच्चों, नेप्थेलीन, तीसरा ले लिया हमने क्या है बच्चों, ये एंथ्रासीन, ठीक है, फोर्थ तो इसको कहते हैं फिनेंथ्रीन, क्या है पिरिडीन, तो इसको कहते हैं बाइफिनाइल, जो थ्री रिंग आ गया तो ट्राइफिनाइल हो गया। तो यहां पर हमें देखना है इन केसेस में हम कितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेंजीन से, फर्स्ट वाला एग्जांपल बेंजीन, ठीक है, देखते हैं। तो आपको पता है बच्चों बेंजीन को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा और दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम बनाने की कोशिश करें तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड में हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेंजीन के टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर क्या है तैयार किए, टू आरएस, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब हम इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं ए और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बी, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हमने नाम दिया है ए और बी। देखते हैं क्यों दिया है, समझने की कोशिश करते हैं। अब हम दूसरे की कोशिश करें, नेप्थेलीन है, नेप्थेलीन में जब हम आरएस बनाएंगे, ठीक है, तो हम इन्हीं का ही उपयोग करेंगे, इन स्ट्रक्चर्स का ए और बी का। देखिए किस तरीके से देखते हैं, मान लेते हैं कि पहला जो रिंग है उसमें अरेंजमेंट ए टाइप का है, ठीक है, तो ए टाइप का अरेंजमेंट इस तरीके से, और जैसे बेंजीन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, इस तरीके से जितने भी कंपाउंड बने हुए हैं इन सब में जो पाई बॉन्ड होंगे वो अल्टरनेट ही होंगे। तो देखिए अब अल्टरनेट अगर लगाना है तो डबल, फिर सिंगल, डबल, सिंगल और डबल, और सिंगल के साथ डबल, इस तरीके से यह बन जाएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर बना जिसमें ये जो रिंग है इसमें अरेंजमेंट है आपका ए टाइप का, ठीक है। अब देखिए अगर ये रिंग ए है तो ये रिंग बी भी हो सकता है, जैसे हमने कहा ये अरेंजमेंट ए टाइप का है तो ये अरेंजमेंट बी टाइप का भी हो सकता है। तो आप क्या करो, इसके अरेंजमेंट को बी टाइप कर दीजिए। तो बी में कैसा है, कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आपने बी ऐसा बनाया है तो हर दूसरा जो रिंग है उसमें जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो अल्टरनेट ही होंगे, तो डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर
फिर ये सिंगल, फिर यहाँ पर क्या जाएगा डबल। तो जैसे ही आपने देखा तो दूसरा रिंग अपने आप किस टाइप का बन गया, ये ए टाइप का बन गया। ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ इसको बी टाइप बनाया था तो दूसरा अपने आप क्या हो गया, ए टाइप हो गया। अब देखिए, अगर ये रिंग ए टाइप का है तो ये बी टाइप का भी हो सकता है। अब इस तरीके से जो दूसरा रिंग है, अगर ये ए टाइप का बना है तो दूसरा रिंग बी टाइप का भी हो सकता है। तो हर रिंग एक बार ए टाइप का होगा, हर रिंग एक बार बी टाइप का होगा। अगर रिंग ये बी टाइप का है तो बी टाइप में तो बॉन्ड के अरेंजमेंट बच्चों कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे रिंग में जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो अल्टरनेट ही होंगे, तो डबल, फिर ये सिंगल, यहाँ पर डबल, फिर सिंगल, यहाँ पर डबल आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये सभी स्ट्रक्चर्स आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और नेप्थिलीन के हमने बना लिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बात समझ में आ रही होगी बच्चों? अब ये हम थोड़ा ट्राई करते हैं अगले वाले एग्जाम्पल में, यही केस जिसमें 3 रिंग्स हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, 3 रिंग्स है यहाँ पर, तो हर रिंग ए टाइप की हो सकती है, हर रिंग बी टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। मान लो ये रिंग क्या है आपकी, ए टाइप की है। अगर ये रिंग ए टाइप की है तो आप देखिए, अब अगली जो रिंग है वो ए टाइप होगी या बी टाइप होगी वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमने पहला बनाया, अब पहले के हिसाब से अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स लगा देते हैं, ठीक है। डबल, फिर सिंगल, डबल, इस तरीके से ये अरेंजमेंट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर में देखिए, अगर ये रिंग ए टाइप की है तो ये रिंग क्या है बच्चों, बी टाइप की भी हो सकती है। तो बी टाइप की अरेंजमेंट हमने ऐसा मान लिया, हम इसको किसी को भी, इसको भी बी कह सकते थे, इसको भी ए कह सकते हैं, किसको भी ए और किसी को बी ले लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब अगला जो बॉन्ड है वो अल्टरनेट होगा, तो कुछ हमें ऐसे ही बनाना है, इस तरीके से यहीं पर बॉन्ड लगा दिया करें, ऐसे वाले बॉन्ड्स जो हमने लगाए हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो अल्टरनेट ही चल रहे होते हैं। तो ये आ गया बी। जैसे हमने इसको बी बनाने की कोशिश करी तो अगली जो रिंग है ये अपने आप क्या है, ए टाइप की हो गई। यहाँ तो कोई टाइप है नहीं क्योंकि इस रिंग में 3 बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो जिसमें 3 बॉन्ड बने हुए हैं वो टाइप को डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 बॉन्ड नहीं है, इस रिंग के अंदर 2 ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम टाइप नहीं बना रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको कोई टाइप नहीं कहा, इसको कोई टाइप नहीं कहा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये रिंग ए हो गई, ये रिंग बी हो गई। अब अगर सेंट्रल वाली रिंग ए बन चुकी है तो ये बी भी हो सकती है। अगर ये बी बनेगी तो अरेंजमेंट तो हमें कुछ ऐसे दिखेगा, इस तरीके से आगे जो बॉन्ड होंगे वो अल्टरनेट होंगे इस तरीके से। जब हमने इसको बी बनाया तो ये थर्ड रिंग है, थर्ड रिंग अपने आप ए हो चुकी है, ठीक है। देख रहे हैं कि एक बार ये फर्स्ट रिंग ए है, फिर बी है, इस तरीके से जो सेकंड रिंग है ए बनी, बी भी बनी, तो इसीलिए थर्ड रिंग अगर ए बनी है तो थर्ड रिंग का भी हक बनता है कि ये भी क्या हो जाए, बी हो जाए। अगर ये बी होगी तो इसका अरेंजमेंट कुछ कैसा दिखेगा बच्चों आपको, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखिए, अब अल्टरनेट बॉन्ड लगाने हैं आपको, ये आगे, ठीक है। और यहां पर इनका कोई टाइप नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल इनके जैसे मैच नहीं करते, ठीक है। इसमें 3 बॉन्ड है इस रिंग के अंदर, इसलिए बी टाइप का है ये, और देखने में कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये 1, 2, 3 और ये 4, इसमें हमने बना लिए 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। 4 आरएस यहाँ पर तैयार हो गए, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी। तो एक रिंग अगर है तो 2 आरएस, 2 रिंग है तो 3 आरएस, 3 रिंग है तो 4 आरएस, ठीक है, यहाँ पर हमने बना लिए। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि अब 4 रिंग है, 3 रिंग है तो 4 आरएस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें 1, 2, 3 रिंग है तो इसमें 4 आरएस बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें 5 आरएस निकल करके आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई मतलब
जनरलाइजेशन नहीं बनाने हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, तरीका है, इसी तरीके के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो बेंजीन वाले को बने रहने देते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फोर्थ वाला, इस पे हम आरएस तैयार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने ऐसे फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर बना लिए। देखिए, तो फाइव हमने ये स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाए हैं, हमें अभी पता है कि फाइव बनेंगे। ठीक है, आप आगे भी देख सकते हैं, कोई अननोन एग्जांपल आ जाए तो इसमें कितने बनेंगे तो आप बना करके भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहली रिंग को हमने ए बना दिया, अब अगले जो बॉन्ड है अल्टरनेट लगाने हैं। ठीक है, तो डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, यहाँ पर डबल, फिर ये सिंगल, यहाँ पर डबल, फिर सिंगल और ये यहाँ पर डबल। ठीक है, तो हमने जब इसको ए बनाया तो ये रिंग अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी रिंग भी ए बन गई, कुछ ऐसे ही, यही अरेंजमेंट दिख रहा है बच्चों ने, देखो बिल्कुल ऐसा ही रिंग है, सेम ये है। ठीक है, तो दूसरी रिंग अपने आप ए बन गई। अब हम नेक्स्ट रिंग पर देखते हैं, तो अगर हम इसको ए बनाया है तो हम इस रिंग को क्या है, बी बना सकते हैं। तो अगर हमने इस रिंग को बी बनाने की कोशिश करी तो बी में तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब अगले जो बॉन्ड होंगे पाई बॉन्ड वो अल्टरनेट ही होंगे, तो डबल, फिर ये सिंगल, डबल, फिर सिंगल, डबल, फिर ये सिंगल, फिर यहाँ पर डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये यहाँ पर डबल। ठीक है, तो आप देखिए इस रिंग का अरेंजमेंट, ये बी बनाया हमने, इसको बी बनाया। ठीक है, और जो दूसरा रिंग है बिल्कुल कैसा दिख रहा है बच्चों, ए के जैसा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों ए हैं तो ऐसा एक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है कि दोनों बी बन जाएं। ठीक है, अगर ये बी और ये ए है तो हो सकता है ये ए हो जाए और ये वाला बी बन जाए। ठीक है, अब सेंट्रल वाली रिंग में अभी तो कुछ हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसे दो बॉन्ड है, थ्री बॉन्ड होते हैं तो अरेंजमेंट चेंज होता है। तो हमने इस रिंग को ए बनाया, इस रिंग को बी बनाया। ठीक है, अब अगर आप इस रिंग की बात करें, ये एक बार ए हुई है, यहाँ पर भी ए है, तो अगली बार ये बी भी हो सकती है, तो बी होने का हक है इसका। अगर हम इसको बी बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम बॉन्ड कुछ ऐसे लगाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे। ठीक है, तो ये डबल है तो फिर यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, फिर ये सिंगल, ये डबल, फिर सिंगल, डबल, फिर ये सिंगल और ये यहाँ पर डबल। जब ने इसको बी बनाया तो इस रिंग का अरेंजमेंट आप देखो, ये रिंग भी क्या है, ये बी बन गई। ठीक है, तो दोनों ए हैं, इस तरीके से ये दोनों रिंग बी हो गई। अब ये बी है और ये ए है। ठीक है, तो इनका भी अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस रिंग को ए ए और दोनों बी हैं। ठीक है, अब बीच वाली रिंग की अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर ये अभी एक भी बार ए या बी नहीं हुई है, तो बीच वाली रिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं। इस रिंग को भी हम एक बार ए बना सकते हैं, इस रिंग को भी हम एक बार बच्चों बी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर रिंग को ए और बी होने का हक है। ठीक है, तो एक बार इसको ए बना दीजिए। अब ए बनाने के लिए क्या करना है आपको, कुछ ऐसे, ये ए बन गया, अगर इसको हमें बी बनाना है तो ये अरेंजमेंट आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब आप देखिए जब हमने इसको ए बनाया तो आप अगले जो बॉन्ड है अल्टरनेट लगाएंगे। ठीक है, ये डबल है, सिंगल, यहाँ पर डबल, फिर सिंगल, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों डबल, इस तरीके से। ठीक है, अब इस रिंग में देखिए ये डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर सिंगल, यहाँ डबल, फिर ये सिंगल और ये डबल। जैसे हमने इसको ए बनाया तो ये वाली रिंग,
ये वाली रिंग बच्चों देखने में कैसी लग रही है, इसके तरीके से लिखती है, बी जैसी लग रही है। अब हमने इसको बी बना दिया। अब देखिए, सिंगल डबल सिंगल और ये डबल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डबल, फिर ये सिंगल और यहाँ पर आ जाएगा डबल, ठीक है, और फिर ये सिंगल के साथ आ जाएगा यहाँ पर डबल। तो इस तरीके से हम अरेंजमेंट यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें पिरिडीन की, तो पिरिडीन में कितने केसेस होने चाहिए, तो पिरिडीन को कुछ ऐसे लिखते हैं। तो पिरिडीन में भी जो अरेंजमेंट है वो बेंजीन जैसा ही दिखता है। तो एक बार अगर ये बॉन्ड इस तरीके से है तो ये बॉन्ड इस टाइप का भी हो सकता है, इस तरीके से। तो पिरिडीन के हमने बना लिए 2RS, ठीक है। तो बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि पिरिडीन के पास नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर यहां पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इस चीज को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमने ये वाला जो केस लिया था, ये है NH, इसको बोलते हैं पायरोल। तो पायरोल में बच्चों लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो लोन पेयर इज पार्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, अगर पिरिडीन की बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर तो पाइबोंड अल्टरनेट है, पाइबोंड ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो लोन पेयर इज नॉट पार्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है तो इसका मतलब क्या होता है, लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, मतलब वो मूव कर रहा है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है तो वो डीलोकलाइज्ड होता है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है तो जो रेजोनेंस नहीं कर रहा हो मतलब वो क्या अपनी जगह पर फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड एंड लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। अब इसका मतलब समझते हैं कि अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो इसका मतलब होता है कि इट इज प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। चीज को समझने की कोशिश करना है, ये लोन पेयर क्या है, पी ऑर्बिटल में होगा। और लोन पेयर अगर लोकलाइज्ड है तो हम कहते हैं इट इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बच्चों कहां पर प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो ये हाइब्रिडेशन में काउंट करेगा। तो थोड़ा सा फिर से इसको हम एक बार बनाते हैं, और यहां पर पूछता है कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन लोन पेयर जो है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है। यहां पर हमें दिख रहे हैं सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, तो इसके पास सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है। इस लोन पेयर को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, तो वो एक जगह स्टेबल है ही नहीं, घूम रहा है ये, ठीक है। तो ये 3 सिग्मा का मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का वो क्या है, sp2 है। अगर इसी तरीके से पिरिडीन में हम बात करें इसमें, यहां पर देख रहे हैं कि इस लोन पेयर के बिना ही रेजोनेंस हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड सिग्मा पाई अल्टरनेट चल रहा है। और यहां पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, यहां पर क्या है 2 सिग्मा, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड भी है एक, ठीक है। तो 2 सिग्मा
ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड जो बने हैं बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर अगर लोकलाइज्ड है तो वो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, तो टोटल आ गया यहाँ पर थ्री, और थ्री स्टेरिक नंबर पर क्या आता है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। ये बात समझ रहे होंगे कि ठीक है, तो लोन पेयर कब पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, अगर वो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल में क्या है, पैरेलल ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है, तो इस ओवरलैप को समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है, ठीक है, तो बेंजीन वाले केस में हम समझते हैं इसको, बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हमने बेंजीन बनाया, यह है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का जो दूसरा स्ट्रक्चर है हमने यह बना लिया, जैसे तो बच्चों ये जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल से, तो ऑर्बिटल अगर हम बनाए, पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, कुछ ऐसे बनेगा, और जो दूसरा बना लिया वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, यहां पर देख रहे हैं जो बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में बना हुआ, तो इस तरीके से ये ओवरलैप करेंगे, यहां पर ये वाला बॉन्ड बना है ऐसा ओवरलैप करेगा, और यहां पर ये जो बॉन्ड बना है इनके बीच में बना है ये कुछ ऐसे ओवरलैप करेगा, ठीक है, ऐसा ही है, नीचे वाला भी है इस तरीके से, यहां पर बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ है, यहाँ पर इनका ओवरलैप हमने दिखा दिया, यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है, और ये इस तरीके से है। तो बच्चों आप अगर इन दोनों को देखें तो इनको मिला करके हम एक स्ट्रक्चर ऐसा लिखते हैं, ये वाला ये, तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर वन और टू, तो स्ट्रक्चर वन और टू ये आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, ठीक है, तो अगर आप स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये डबल बॉन्ड हर जगह प्रेजेंट है, इसलिए हमने ऐसा इसका सर्कल लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि हर जगह ये पाई बॉन्ड हो सकता है। इसी तरीके से आप इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर कंबाइन करके देखें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड बना है इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर जगह है, ठीक है, ये ऑर्बिटल कैसे हैं, ये इस तरीके से बने हुए हैं, पैरेलल है, ये रिंग ऐसा फ्लैट है, और ये जो पी ऑर्बिटल है कुछ ऐसा बना हुआ है, तो ये आपस में क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो कुछ आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, तो जो ऐसे जो लोब्स बने हुए हैं ये वाले अपर वाले ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं और लोअर वाले आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो अपर को हमने कुछ ऐसा लिख दिया, ये, और लोअर वाले को हम ऐसे डॉटेड लाइन्स लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से, तो ये दिख रहा है कि ये सब सारे पी ऑर्बिटल, ये क्या है बच्चों, ये पी ऑर्बिटल है, तो सारे पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो रेजोनेंस है क्या, पैरेलल ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो रेजोनेंस करेगा, अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला गया वो रेजोनेंस नहीं करेगा, तो पिरिडीन के केस में क्या है बच्चों, तो ये ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, तो ये इसके रेजोनेंस की डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा है, तो रेजोनेंस की डायरेक्शन में ना आने की वजह से ये क्या है, लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन पायरोल वाले केस में देखिए बच्चों, पायरोल वाले केस में क्या है, ये लोन पेयर इस तरीके से
ये पी है और ये पी है, ये इनके क्या है कांटेक्ट में है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज सकता है। इस तरीके से ये सिस्टम ये चलाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि आपसे हाइब्रिडेशन पूछता है और पूछेगा लोन पेयर इज लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, तो हम यहाँ पर वो चीज बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में बाइफिनाइल में देखते हैं, सिक्स्थ वाले केस में। तो बच्चों ये दो रिंग हैं, इनमें अरेंजमेंट की अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये रिंग ए हो सकती है, ये दोनों ही रिंग ए हो सकती हैं, दोनों ही रिंग बच्चों बी हो सकती हैं। ठीक है, अब ये वाली रिंग ए हो जाए तो ये बी भी हो सकती है, ये बी हो जाए ये ए हो सकती है। तो यहाँ पर टोटल जो अरेंजमेंट दिख रहे हैं, जो पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, वो बच्चों क्या है फोर पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। इसके फोर आर एस बन जाएंगे, यहाँ पर फोर आर एस पॉसिबल हैं। ठीक है, बना सकते हो बच्चों आप। ठीक है, वैसे पेपर में बनाने को नहीं आते, पेपर में नंबर पूछता है। इसी तरीके से अगर हम सेवंथ वाले की बात करें, यहां पर थ्री रिंग है, ठीक है, तो इन थ्री में अगर आप देखें कि क्या क्या हो सकता है, तो वही बात है, ये रिंग ए भी हो सकती है, ये भी रिंग ए भी हो सकती है, ये रिंग भी ए भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले को एक को ले लेते हैं। तो पहले हमने इसको ए किया, ठीक है, और इसको हम बी किया, ये रिंग ए हो जाए ये बी हो जाए। तो दो अदर जो टू रिंग है इनकी पॉसिबिलिटीज अगर आप देखिए तो वो ए ए हो सकती है, बी बी हो सकती है, ए भी हो सकती है और बी ए हो सकती है। तो कितने अरेंजमेंट निकल के आए, फोर। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से देखिए, अगर ये रिंग बी है तो इनके भी अरेंजमेंट फिक्स है, कैसे, ए ए बी बी ए बी और बी ए, यहां पर भी फोर तरीके निकल के आए। टोटल कितने आ गए बच्चों, टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो एट, एट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम यहां पर बना सकते हैं, एट आर एस। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं टू रिंग जुड़ी हुई है तो टू इंटू टू फोर टाइप, अगर थ्री है तो टू इंटू टू इंटू टू कितने बन जाएंगे बच्चों, पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी एट। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इस कंपाउंड के। ठीक है, दूसरा है कंपाउंड हमारा ये, ठीक है, थर्ड है ये ओ माइनस, फोर्थ लिया हमने सी एच ओ। ठीक है, ठीक है, तो पहले इनके स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों वही अरेंजमेंट, ये रिंग है बेंजीन रिंग है तो ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। तो हमने पहले इसको ऐसे बना लिया सी एच टू प्लस, ये रिंग अभी क्या है ए टाइप की है। ठीक है, अब तो इसका अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंट है तो रिंग का जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की तरफ जाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना, डबल बॉन्ड सी एस टू और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट कार्बन पर आ जाएगा, तो यहां पर था तो इस कार्बन छोड़ करके यहां पर बनेगा, बाकी जो पाई बॉन्ड है उसको हमने टच नहीं किया है तो एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम आर एस की बात करें तो ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे होंगे। तो देखिए कि डबल बॉन्ड सी एच टू ये यहाँ गया, तो अब ये चार्ज अल्टरनेट कार्बन पर इसको छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा प्लस, बाकी जिसको हमने टच नहीं किया वैसे ही रहेगा। तो देखिए अगला आर एस हम बनाने की कोशिश करें तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, जैसे ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर चार्ज ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, जो बॉन्ड को टच नहीं किया उनको वैसे ही रखना है ये सी एस टू। अब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेंस में तो इस तरीके से आ जाएगा, जब ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा देख रहे हैं बच्चों, ये सी एस टू प्लस
ये बॉन्ड इस तरीके से कंप्लीट हुआ, तो हमने स्टार्ट ए से किया था और ये रिंग जो अरेंजमेंट है ये बी टाइप का हो गया। ए और बी हमने बच्चों इस तरीके से कहा था, ये बेंजीन है तो ये ए टाइप का, इस तरीके से अगर बॉन्ड है तो हमने उसको कह दिया कि ये बी टाइप का है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हमने इसके बना लिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हर बार बना के नहीं देखना है, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चार्ज देख रहे हैं, अगर रिंग पे चार्ज की बात करें तो हर अल्टरनेट कार्बन पर है, ठीक है। देखिए जरा कोशिश करते हैं यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिखने की, ये बेंजीन है रिंग और ये सी एस टू प्लस। तो बच्चों अगर ये चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है इस कार्बन पर है तो इसके दो आर एस पॉसिबल है, यहां से ये बन जाएंगे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे, देखिए ये चार्ज इस कार्बन पर है एक तो ये आर एस है, ये चार्ज इस कार्बन पर है एक ये आर एस है, मतलब ये रिंग ए और बी टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक अब बच्चों देख रहे हैं कि चार्ज अल्टरनेट कार्बन पर मूव कर रहा है, तो ये चार्ज यहां पर है, अब इसको छोड़ करके यहां पर आ जाएगा, फिर इसको छोड़ करके ये यहां पर आ जाएगा, फिर इस कार्बन को छोड़ करके बच्चों ये यहां पर आ जाएगा। तो ये चार्ज एक बार ये यहां सकता है, एक बार ये यहां सकता है, एक बार ये यहां सकता है। तो जब चार्ज बच्चों रिंग पर आ रहा होगा, देख रहे हैं जब चार्ज रिंग पर आ रहा है तब ये बेंजीन नहीं है, ठीक है ना, तब ये एक एक अरेंजमेंट ही इसका पॉसिबल है। देख रहे हैं कि 2 और ये 1, 3 और ये 1, 4 और ये 1, 5, इस तरीके से हमें टोटल 5 अरेंजमेंट दिखते हैं। यही काम हम यहां पर कर सकते हैं। अब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज था, इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज भी होगा। जब नेगेटिव चार्ज यहां पर है तो इसके दो अरेंजमेंट बन सकते हैं, जैसे यहां पर बनाया प्लस चार्ज था ऐसे ही नेगेटिव चार्ज मूव करेगा हर जगह, ठीक है। अब अल्टरनेट पर देखें तो ये यहां पर है तो ये यहां हो सकता है, ये यहां पर हो सकता है, ये यहां पर हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई बच्चों, 5। तो इसका भी एक बार हम स्ट्रक्चर बना देते हैं आपके लिए, जिसके 5 आर एस है कैसे, ठीक है। तो पहले हमने लिया इसको ए टाइप का, ये सी एस टू, ये माइनस, ठीक है। तो ये जब घूमेगा तो सोर्स ऑफ रेजोनेंस ये स्टार्ट यहां से होगा, तो यहां जाएगा बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड सी एस टू, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। अब ये चार्ज आगे डीलोकलाइज होता जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, बाकी को टच नहीं करना है, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। और फाइनली ये इधर गया तो ये इधर आ गया, मिला हमें सी एस टू माइनस इस तरीके से, ये बन गया बी टाइप का। तो देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज हर अल्टरनेट कार्बन पर आ रहा है इस तरीके से, तो 5 आर एस यहाँ पर पॉसिबल है। अब जो सेम तरीका यहाँ पर भी है, इसके भी कितने बनेंगे, 5 आर एस, ठीक है, बात समझ रहे होंगे। क्योंकि ये चार्ज यहां पर है तो फिर ये यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, हर अल्टरनेट एटम पर हो सकता है। अगर O माइनस है तो जैसे सी एस टू माइनस था तो 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे, तो ऐसे यहां पर 1, 1 और ये 1 पॉसिबल होंगे, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें इस एग्जाम्पल में तो कितने आर एस बनेंगे, तो देख सकते हैं इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे मान लीजिए ए टाइप का है सी एच डबल बॉन्ड ओ। अब बच्चों ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा इस तरीके से, तो जब अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ पर O माइनस बनेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये रिंग A भी हो सकती है और ये रिंग क्या है बच्चों, ये B भी हो सकती है, कुछ ऐसे सी एच डबल बॉन्ड O, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगी इधर से, तो ये B भी बन गई। तो इस तरीके से इसमें भी 5 आर एस पॉसिबल हैं, रिंग का अरेंजमेंट ए हो जाए या रिंग का अरेंजमेंट बी हो जाए, ठीक है। तो चार्ज जो बनेगा बच्चों यहां पर देखने की कोशिश करें जरा, ये यहां पर चार्ज बन सकता है, ठीक है,
जैसे इलेक्ट्रॉन जो पुल करेगा, फिर ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर रिंग पर ऐसे चार्ज ये जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, जब यहाँ चार्ज बनेगा ऑक्सीजन पर तो इसकी दो पॉसिबिलिटी नजर आती है, बाकी जगह पर क्या है एक एक पॉसिबिलिटी होगी। तो स्ट्रक्चर आप अगर देखें तो मैं यहाँ भी बना देता हूँ, ये CH डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और डबल बॉन्ड CH ये O माइनस और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या है पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। अब ये यही चार्ज बच्चों क्या है डीलोकलाइज होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये चार्ज यहाँ पर बना हुआ है, ये चार्ज यहाँ भी हो सकता है, ये चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है, अल्टरनेट कॉर्नर्स पर हो सकता है। तो ये थ्री स्ट्रक्चर्स ये हो गए, और ये रिंग ए है तो ये रिंग बी भी हो सकती है इस तरीके से। तो ये ए है तो ये रिंग क्या है बच्चों, अगर रिंग बी भी होगी तभी भी चार्ज अल्टरनेट पर ही होगा, ठीक है। तो दो अरेंजमेंट ये यहां पर बन गए और ये थ्री अरेंजमेंट टोटल मिलकर के हो गए बच्चों फाइव। तो फाइव आर एस इसमें पॉसिबल है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों इन एग्जांपल्स में भी हमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो बच्चों देखते हैं इस फिफ्थ वाले में कितने हम आरएस बना सकते हैं। चार्ज इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पर है और ये रिंग बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि ये रिंग ए भी हो सकता है, ये रिंग बी भी हो सकता है। तो अगर ये रिंग ए है या रिंग बी है तो इस जगह पर अगर चार्ज होगा तो इसके दो अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, एक बार ए हो सकता है एक बार बी हो सकता है, ठीक है। और समझने की कोशिश करें, फिर चार्ज ये यहां से मूव करके अल्टरनेट पर ये यहां पर आ जाएगा। तो जब ये चार्ज यहां भी होगा तभी भी ये रिंग ए हो सकता है और ये रिंग क्या है बच्चों बी हो सकता है, तो यहां पर भी टू अरेंजमेंट पॉसिबल है। फिर चार्ज कहां होगा, इसको छोड़ के यहां पर है तो इस वाले कार्बन को छोड़ करके यहां पर आ जाएगा, फिर इसको छोड़ करके यहां पर आ जाएगा, फिर इसको छोड़ करके यहां पर आ जाएगा। तो जब चार्ज इन इन जगह पर होगा तो रिंग ना ए टाइप की होगी ना रिंग बी टाइप की होगी। तो जब रिंग ए टाइप की नहीं है बी टाइप की नहीं है तब एक ही एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो टोटल आप काउंट कर लीजिए, टू और टू फोर फाइव सिक्स और सेवन, तो यहां पर बन जाएंगे बच्चों सेवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए समझने के लिए मैं एक बार बना देता हूं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूं।
ठीक है, तो हमने रिंग को बोला कि ए टाइप से स्टार्ट किया हमने, कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। हमने इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करवाया, जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया ये कुछ ऐसे बनेगा और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट जगह पर ये यहाँ पर आ जाएगा और जो अरेंजमेंट है ये कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, रेजोनेंस है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पर। बॉन्ड को हमने यहाँ पर मूव करवा दिया, बाकी जो बॉन्ड जैसे बने हुए हैं उनको आपको वैसे ही बना देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए, अब ये इस तरीके से आएगा, बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा ये इस तरीके से, बाकी अरेंजमेंट को हमने नहीं छेड़ा है। ठीक है, ये इस तरीके से, अब जैसे ही ये इसको हमने यहाँ पर मूव करवाया, तो जब हम इसको यहाँ पर मूव करा रहे होंगे, इस तरीके से मूव करा रहे होंगे, तो चार्ज बनेगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और ये आ गया, इधर आ गया ये, और ये पूरा अरेंजमेंट क्या है, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, तो बाकी स्ट्रक्चर ना बनाए हम उसी से बना सकते हैं। तो देखिए, तो इस केस में अगर ये रिंग ए है, तो इसका जो दूसरा आर एस बन सकता है इसकी बी रिंग का, इस रिंग के बी होने पर भी एक हम आर एस बना सकते हैं, तो ये जो सर्कल लगा है ए टाइप का है, तो ये बी टाइप का भी हो सकता है कुछ ऐसे, ये तो एक अरेंजमेंट यहां से बना। अब ये देखिए, ये रिंग है, तो अगर ये रिंग ए टाइप की है तो इसमें से हम इसका बी टाइप का भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं बच्चों, कुछ ऐसे। तो जब जब बेंजीन रिंग दिख रही है बच्चों, तो अगर एक बार ए टाइप की है तो दूसरी बार वो बी टाइप की भी हो सकती है, और यहां पर रिंग नहीं है, तो जब रिंग नहीं है तो एक ही एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो बच्चों यहाँ काउंट करें अगर, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, अगर पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पर है तो इसके दो अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पर है, प्लस चार्ज यहाँ पर, एक ये हो गया एक ये हो गया, जिसमें ये रिंग क्या बी टाइप की है। अगर प्लस चार्ज यहाँ पर है तो ये रिंग में तीनों बॉन्ड डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी दो अरेंजमेंट बन सकते हैं, ए टाइप का है तो ये बी टाइप का हो सकता है, और बाकी जगह हमने एक एक लिखा हुआ है, तो अगर चार्ज ये यहाँ पर होगा तो इसका सिर्फ एक ही अरेंजमेंट बनेगा, अगर ये चार्ज यहाँ पर है तो एक ही अरेंजमेंट बनेगा, अगर ये चार्ज यहाँ पर है बच्चों तो एक ही अरेंजमेंट बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि यार ये रिंग ना ए टाइप की है ना बी टाइप की, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। ये सब क्या है, एक एक है, तो टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इसके बन गए बच्चों 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो पेपर में क्या है कि इस कुछ कॉमन एग्जाम्पल से बार बार वही रिपीट होते हैं, तो आपसे आएगा तो आपको याद रहेगा, तो आप डायरेक्ट बता भी सकते हैं आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट अरेंजमेंट देखते हैं, 6th वाला। तो बच्चों 6th वाले में आप बताने की कोशिश करें कि कितने हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर पॉजिटिव चार्ज बच्चों ये यहां पर है इधर, हम इसके कितने आर एस बना सकते हैं, 2, क्योंकि ये रिंग ए हो सकती है, ये रिंग क्या है बी हो सकती है, तो दो पॉसिबिलिटीज आ गई। अब बच्चों चार्ज कहां कहां होगा, तो ध्यान दीजिए, अब चार्ज यहां पर आएगा, फिर चार्ज अल्टरनेट पर यहां था, इसको छोड़ के यहां पर आएगा, इसको छोड़ के फिर यहां पर आएगा, फिर इसको छोड़ करके बच्चों यहां पर आएगा, फिर इसको छोड़ करके बच्चों फिर ये यहां पर आएगा। अब ध्यान दीजिए कि जब चार्ज यहां पर होगा तो ये रिंग ना ए टाइप की होगी ना बी टाइप की, सिमिलरली जब चार्ज यहाँ पर होगा तो ना रिंग ए टाइप की होगी ना बी टाइप की, और चार्ज यहाँ पर होगा तो ना रिंग ए टाइप की होगी ना बी टाइप की, अगर चार्ज यहाँ पर आ गया तभी भी रिंग ना ए टाइप की होगी ना बी टाइप की होगी। तो मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी आती है 1 1 और 1 और ये 1, तो 1 2 3 4 और 2 6, तो इसके 6 आर एस बन जाएंगे बच्चों। बात समझ रहे होंगी, आप 6 आर एस बना के देख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम देखें नेक्स्ट केस में, 7th वाले में। ये O माइनस है बच्चों यहाँ पर, और इसके कितने हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, 10। अब वो 10 स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे वो हमें देखने हैं। तो बात करते हैं बच्चों इस चार्ज की, चीज चार्ज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो एक बार कोशिश करते हैं हम इसको लिखने की। ठीक है बच्चों, अरेंजमेंट कुछ ऐसा है,
ठीक है, तो चार्ज की बात करें तो चार्ज कहाँ कहाँ हो सकता है, कि जब हम इससे स्टार्ट करेंगे तो चार्ज ये इस तरीके की डायरेक्शंस बनेंगी यहाँ पर बच्चों, ऐसे। तो जो चार्ज है इस एटम को छोड़ करके ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है, फिर ये यहाँ बनेगा, तो फिर अल्टरनेट पर ये बच्चों यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो जब चार्ज ये यहाँ पर है बच्चों, जब ये चार्ज यहाँ पर है तो इसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, थ्री। हमारी बात समझ रहे हैं, थ्री क्यों, क्योंकि ये रिंग बिल्कुल बच्चों नेप्थेलिन जैसे है, जैसे ये है। हमने इन केसेस में बताया, बाकी जगह जैसे बेंजीन जैसा दिखता है तो दो तरीके हो सकते हैं। अब ये नेप्थेलिन की रिंग है, इसको आप हटा के देखें तो कैसा दिखता है, नेप्थेलिन जैसा, और नेप्थेलिन के बच्चों हमने थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे। तो ये तीन तरीके से हो सकता है अगर ये चार्ज यहाँ पर है, ऑक्सीजन पर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब ये चार्ज यहाँ पर जाएगा तो ये रिंग बेंजीन बची रह जाएगी, यहाँ पर चार्ज आने से ये दो अरेंजमेंट पॉसिबल है इसके। इसी तरीके से अगर ये चार्ज यहाँ पर है तो इसके भी टू अरेंजमेंट बन सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये रिंग अभी भी क्या है, बेंजीन जैसे दिखेगी, तो ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ये चार्ज यहाँ से हट के यहाँ आएगा तो ये रिंग ना तो बेंजीन में ए टाइप की होगी, ना तो बी टाइप की होगी, बेंजीन रहेगी नहीं, यहाँ पर एक बनेगा। फिर चार्ज अल्टरनेट जगह पर आएगा तो ये यहाँ पर होगा, तभी भी ना तो ए टाइप का होगा ना तो बी टाइप का होगा, तो ये चार्ज यहाँ पर आ गया। अब फिर चार्ज ये यहाँ पर होगा, अगर ये चार्ज यहाँ पर है तो ना तो ए टाइप होगा ना तो बी टाइप होगा, ठीक है। तो देखिए, थ्री और टू फाइव, और ये टू सेवन, और एट नाइन और टेन, तो टेन आर एस यहाँ पर क्या है, टोटल पॉसिबल है, ठीक है बच्चों, समझ रहे होंगे बात। अब बनाने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमने चार्ज को मूव कराया, तो ये बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और बाकी जो बॉन्ड है वो जैसे है उनको हमने वैसे ही लगा लिया, ठीक है। तो एक बार जब ये चार्ज यहां पर मूव कर रहा है तो आगे हमने, जब चार्ज यहां पर, तो उसके तीन एलिमेंट तो पॉसिबल ही है, वो हम नहीं बना रहे। अब देखिए, हम इसी से ही हम सोच सकते हैं कि चार्ज जब ये मूव करेगा, ठीक है, बना देता हूं मैं एक बार, जब ये चार्ज यहां पर मूव करेगा, अभी चार्ज यहां पर आ गया इस तरीके से, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, और ये इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अभी यहां पर ये रिंग क्या है, ए टाइप का है, ठीक है, ये रिंग क्या है बच्चों, ए टाइप का है। तो ये रिंग बी टाइप का भी हो सकता है, ये वाला रिंग। तो ये जब चार्ज यहां पर आ चुका है तो बच्चों ने लिखा कि दो पॉसिबिलिटीज है, तो ये दो बन गए, ठीक है। और जब ये चार्ज यहां पर था तो इसकी थ्री पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हमें सारे स्ट्रक्चर बना बना के देखें, ठीक है। अब बच्चों, ये जब चार्ज यहां पर, तो अभी ए टाइप है तो ये बी टाइप भी हो सकता है, तो इसके भी देखो, जब चार्ज ये यहां पर था तो कितने अरेंजमेंट बने बच्चों, दो अरेंजमेंट बने। अब हम आगे चार्ज को मूव कराने की कोशिश करते हैं, यहां पर गया, ठीक है, तो दो यहां से बन गए। अब जब चार्ज अगली जगह पर मूव करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज, अब ध्यान दीजिए, ना तो ये रिंग ए टाइप का रहा ना रिंग बी टाइप का है। तो अब आगे देखिए, चार्ज ये यहाँ पर, तो एक एलिमेंट यहाँ बना, फिर अल्टरनेट जगह पर ये जाएगा तो एक एलिमेंट यहाँ से बनेगा, फिर अल्टरनेट जगह पर जाएगा तो एक एलिमेंट यहाँ से बनेगा, तो यहाँ पर बन गए थ्री एलिमेंट। तो काउंट कर लीजिए, टोटल थ्री और टू फाइव और टू सेवन और थ्री टेन, तो टेन आर एस पॉसिबल है बच्चों, हमने सारे बनाए नहीं है, ठीक है, आप बना के देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एट्थ वाला एग्जांपल। तो बच्चों, एट्थ में देखिए कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट की बात करें एट्थ वाले में, तो इसके नाइन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे टोटल बच्चों, कैसे होंगे उन चीज को देखते हैं, कि जब चार्ज ये यहां पर है तो इसके थ्री स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि ये रिंग क्या है बच्चों, नेप्थेलिन की है, और नेप्थेलिन के हम थ्री आर एस बनाते हैं, तो तीन तरीके से
यहाँ पर डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, तो थ्री बनेंगे। अब बच्चों जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से हट के यहाँ पर आएगा तो इसके दो बनेंगे, क्योंकि तब ये रिंग क्या है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन जैसा बना रहेगा, तो उसके दो एलिमेंट पॉसिबल है। अब फिर ये चार्ज यहाँ पर पहुँचा तो एक, ये चार्ज यहाँ पर पहुँचा तो एक, ये चार्ज यहाँ पर पहुँचा तो बच्चों वन, और ये चार्ज यहाँ पर पहुँचा तो बच्चों क्या है, वन। ठीक है, तो जब आप काउंट करेंगे यहाँ पर तो ये मिलेगा 3 to 5 और 6, 7, 8 और 9। तो 9 आरएस यहाँ पर हम बना सकते हैं, बना के आप ट्राई कर लीजिए, देख सकते हैं। ठीक है, ये तो 8th हो गया। अगर हम 9th की बात करें तो कह रहा है कि ये एक्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर। ठीक है, जब ये लोन पेयर इस कंडीशन में है, यहां पर देख लेते हैं 9th वाले को, ये NH2 इस तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में जब लोन पेयर यहां पर रहेगा तो बच्चों दो आरएस बनेंगे, क्योंकि ये रिंग ए हो सकती है, ये रिंग क्या है बच्चों, बी हो सकती है। अब जब ये चार्ज यहां पर ऐसे पहुंचेगा उसके बाद की कंडीशन देखते हैं। मान लो हमने रिंग को ऐसे लिया है NH2 और ये मूवमेंट ऐसा स्टार्ट हुआ, तो जब मूवमेंट स्टार्ट होगा ध्यान दीजिए बच्चों क्या बनेगा, तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2, क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ आ रहा है तो एक बॉन्ड बन जाएगा। लोन पेयर गया है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा कुछ इस तरीके से। अब बच्चों ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ होगा, हर अल्टरनेट कार्बन पर होगा, तो इसका मतलब जितने अल्टरनेट कार्बन है आप देख लीजिए, ये चार्ज यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर मिलेगा, तो एक अरेंजमेंट यहाँ पर बन सकता है, फिर चार्ज यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पर होगा, तो एक अरेंजमेंट यहाँ पर बन सकता है। तो ऐसे केस में 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है, और जब इस तरीके से रहेगा लोन पेयर यहाँ रहेगा तो 2 अरेंजमेंट बन सकते हैं, ए और बी वाला, किस तरीके से ये ऐसे हो जाए और या तो ये ऐसे हो जाए। NH2, ठीक है, तो ये ए वाला और ये बी वाला, तो दो ये यहां से बन गए, तो 3 और 2, 5, ये x की वैल्यू आ गई 5। अगर हम y की बात करें तो बच्चों यहां पर लोन पेयर तो अब रहा नहीं, तो अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ इसके बनेंगे 2, इस रिंग की वजह से a और b हो सकते हैं। तो अगर हमने NH3+ लिखा है, ठीक है, तो देखिए हम अब ये वाला एलिमेंट नहीं बना सकते कि ये प्लस चार्ज है तो इस बॉन्ड को यहां मूव करवा दे, तो होगा क्या बच्चों, जैसे ही आप यहां पर बॉन्ड को मूव करवाओगे पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड्स बन गए और नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो पेंटावेलेंट नाइट्रोजन नहीं होता है, पेंटावेलेंट नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन क्या ट्राइवेलेंट होता है बच्चों, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाते, तो ये सिचुएशन कभी आने वाली नहीं है। तो होगा क्या, जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, या तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब ए टाइप का और बी टाइप का, तो हम इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो y की वैल्यू 2, x प्लस वाई की बात करें तो 5 प्लस 2, 7, तो आंसर क्या होगा बच्चों, यहां पर 7 आ जाएगा। अब इन स्ट्रक्चर्स की बात करें इसमें कितने होंगे, ठीक है, तो 7 आरएस यहां पर ही बनेंगे और 7 यहां पर ही बनेंगे। अब कैसे बनेंगे उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चों, इसके 7 आरएस बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम 10th वाले एग्जांपल को उठाते हैं, जैसा हम काम 10th में करेंगे वैसे ही काम आपको करना है 11th वाले में, ठीक है, तो 10th वाला हमें आपको बताता हूं, ठीक है, तो ये CH2+ OH, यहां पर है NH2 और बॉन्ड का अरेंजमेंट हमने कुछ ऐसा किया। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, तो एक स्ट्रक्चर हमने बनाया ये डबल बॉन्ड CH2, अब आ गया प्लस यहां पर और OH, और यहां पर क्या है बच्चों NH2। अब पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट जगह पर रहेगा, ये यहां पर है तो यहां हो सकता है और यहां पर हो सकता है। अब बच्चों इसके दो रास्ते हैं,
यहां चूंकि हमने OH को लगाया हुआ है तो OH के पास भी लोन पेयर है, तो ये अपने एक लोन पेयर सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस यहां पर कर सकता है, या ये पाई जो बॉन्ड है सिग्मा के साथ ये पॉजिटिव रेजोनेंस है, मतलब ये जंक्शन वाला पॉइंट आ गया। इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, जंक्शन है। तो जंक्शन में हम इस तरफ भी जा सकते हैं ऑक्सीजन की तरफ और पाई बॉन्ड की तरफ भी जा सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी हमने ये वाली बना ली। बाकी जो बॉन्ड है जिनको टच नहीं किया है उनको वैसे ही रखना है, डबल बॉन्ड OH प्लस। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर गया है दुखों का, और दुख को दिखाता है यहाँ पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है, ये रो तो नहीं सकता, प्लस चार्ज लगा दिया है मतलब क्या, रो ही रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब क्या है, ये चार्ज आने से स्टेबिलिटी मतलब क्या है थोड़ा बहुत तो कम होती ही है। ठीक है, अब देखिए अगले RS की बात करें तो ये RS ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 जब ये शिफ्ट करेगा यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा और NH2 इस तरीके से, और ये OH रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इस बॉन्ड को यहां करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पास भी ये जंक्शन वाली बात आ गई, इसके भी दो बन सकते हैं। ये अपना लोन पेयर इधर रेजोनेंस में कर रहा है इस तरीके से, तो डबल बॉन्ड NH2 प्लस ऑक्सीजन की तरह से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये OH, और यहां पर क्या जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड के साथ CH2। अगला काम कर सकते हैं कि इसको यहां पर मूव करवा दें, ये स्ट्रक्चर बन गया डबल बॉन्ड CH2 OH और NH2, बॉन्ड यहां जाएगा तो प्लस चार्ज यहां पर, बाकी बॉन्ड को ऐसे। नेक्स्ट में देखिए ये यहां पर आ सकता है CH2 प्लस OH और NH2। अब ये रिंग बन गई बच्चों बी टाइप की, ये रिंग बन गई ए टाइप की। ठीक है, तो चार्ज अगर रिंग की बात करें तो अल्टरनेट कार्बन पर है, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। अगर आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको भी देख लीजिए, CH2 प्लस पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे स्ट्रक्चर्स बनाओ। यहां है OH, यहां पर क्या है NH2। ठीक है, तो चार्ज बच्चों क्या अल्टरनेट एटम्स पर आ रहा है, तो ये यहां पर रहेगा तो दो RS बनेंगे इस रिंग की वजह से, A और B हो जाए। फिर ये चार्ज यहां हो सकता है, फिर ये चार्ज यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां गया तो एक, यहां गया तो एक, यहां गया तो एक। तो जब पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहां होगा तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर रहा होगा, तो रेजोनेंस की वजह से, इसके रेजोनेंस की वजह से एक स्ट्रक्चर यहां बन सकता है, एक स्ट्रक्चर यहां बन सकता है। कि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज हमने यहां पर बनाया तो ये ऑक्सीजन के साथ इसका क्या बच्चों रेजोनेंस है, जहां जहां रेजोनेंस है चार्ज वहां वहां जाएगा, तो यहां पर भी हो सकता है। तो बन गया 2 और ये 3 और ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, 7 बने। इसी तरीके से बच्चों देखिए आप यहां नेगेटिव चार्ज है तो ये यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ये अल्टरनेट पर यहां हो सकता है और यहां हो सकता है। तो जब चार्ज यहां होगा नेगेटिव तो दो बनेंगे, फिर यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक। अब देखिए इसके साथ ये क्या, जब नेगेटिव चार्ज यहां होगा तो यहां भी मूव कर सकता है बच्चों, ये रेजोनेंस है, तो एक यहां पर चार्ज बन जाएगा और एक यहां पर बन जाएगा। ठीक है, एक हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि जब ये चार्ज मूव करवाया हमने डबल बॉन्ड CH2 लिख देता हूं ऐसे ही, और अरेंजमेंट ये है आपका CH डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड CH2। स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चों, ये यहां मूव करेगा तो चार्ज ये यहां पर आ गया, एक स्ट्रक्चर आपका ये तैयार हो गया डबल बॉन्ड CH2 ये नेगेटिव चार्ज और CH डबल बॉन्ड CH2 और CH डबल बॉन्ड O। तो जब ये चार्ज बच्चों यहां पर जाएगा इस तरीके से इधर, ये चार्ज यहां भी पहुंचेगा, देख रहे हैं कि ये चार्ज यहां 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 हो सकता है। तो 2 और 3 और 4 और ये 5 और 6 और ये 7 पॉसिबिलिटीज नजर आती है। तो बच्चों आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।